नमस्ते किसान, मैं साहिल किसान हूँ। किसान पाठशाला प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं गेंदे की फसल के कुछ बेनिफिट्स के बारे में कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। मैं आपको बताऊं कि यदि गेंदे की जो फसल है ये नेमोटेड के लिए जो सूत्रकृमि आता है, नेमोटेड के लिए काफ़ी बहुत अच्छी फसल है। वो किस तरह है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक सूत्रकृमि आता है नेमोटेड, ये क्या करता है कि जो अपने जो पौधे हैं उसमें उसकी जो गड़े हैं, जड़े हैं, उसमें ये मिट्टी में उपस्थित रहता है। जड़ों में जाकर जो जड़ों के अंदर जो पोल एरिया रहता है उसमें जाकर ये पूरा भोजन वगैरह उसका खाने लगता है। ये जड़ों को अवरुद्ध कर देता है और पौधा धीरे धीरे मुरझाने लग जाता है, सूखने लग जाता है और उसकी ग्रोथ वगैरह नहीं हो पाती। पौधा ऊपर से पीला पड़ने लग जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, हाइट रुक जाती है और पौधा धीरे धीरे मर जाता है। ये सूत्रकृमि क्या करता है कि पौधों की जो जड़ें रहती है उसमें जाकर अपना भोजन खाने लग जाता है, अपना भोजन खाने लगता है और वहाँ पर गाढ़ जैसी देखने की समस्या देखने को मिलती है। ये नेमोटेड के इससे क्या होता है कि जैसे ये इसमें जड़ जड़गांठ रोग आ जाता हैगा और आता है एक पुट्टी रोग, नींबू का सूखा रोग आता है, जड़ गलन की समस्या भी देखने को मिलती है, जड़ का एक फफोला टाइप रोग आता है वो रोग भी उत्पन्न करवाता है, हो जाता है ये नेमोटेड के कारण। तो कुछ मैं आपको नॉर्मली तरीके बताऊंगा और लास्ट में बताऊंगा कि गेंदे की फसल से क्या फ़ायदा है नेमोटेड का, यानी आपकी जैसे जो ज़मीन है इसमें यदि नेमोटेड की समस्या है तो आप किस तरह दूर कर सकते हो गेंदे की फसल लेने से, मैं उसको लास्ट में बताऊंगा। यदि किसी फील्ड पर, किसी जगह पर या किसी खेत में स्पेसिफिक जगह पर नेमोटेड की समस्या है तो आपको लेना है प्रेसिमोलेसिस 4 से 5 किलो। ये बायो रहता है, इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह ऐसा देखने को नहीं मिलते। प्रेसिमोलेसिस लेना है आपको, इतनी गोबर की सूखी हुई खाद लेना है कि आप 1 हेक्टेयर में उसको छिड़काव कर सको या उसका बिछाव कर सको। तो इतनी खाद ले लो आप सूखी और उसके अंदर 4 से 5 किलो प्रेसिमोलेसिस डालना है, उसके अंदर कुछ कटिंग करना है उनकी और उसको मिक्स करना है 4 से 5, इतनी गोबर की खाद जो आप 1 हेक्टेयर में बखेर सको। और उसके बाद कुछ 2 से 2.5 किलो गुड़ लेना है आपको, उसको 40 से 50 लीटर पानी में आप घोल लीजिए और धीरे धीरे कर उसके छिड़काव करें नॉर्मली। और उसका छिड़काव करने के बाद उसको कुछ दिन रखें, थोड़ा उसमें 50% जब नमी की मात्रा रहती है तो उसका आप छिड़काव कर दें। तो उससे क्या होगा कि आपके खेत में जो नेमोटेड की समस्या देखने को मिल रही है वो कम हो जाएगी या ख़त्म ही हो जाएगी। और दूसरा बताऊँ आपको कि आप एक जो फसल चक्र होता है अपना, फसल चक्र उसको अपना सकते हो। जैसे धान हुआ, टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, राजमा, मटर, मक्का, इनकी फसल यदि आप लेते हो तो आपको नेमोटेड की समस्या काफ़ी कम देखने को मिलेगी यदि फसल चक्र आपने अपना लिया तो। और एक और होता है, एक होता है शोरकरण, शोरकरण विधि। ये ज़्यादातर जो नर्सरियों में, ज़्यादातर नर्सरियों में जो इस जगह पौधे की समस्या देखने को मिलती है नेमोटेड की, जिस नर्सरियों में या कोई ऐसी फील्ड में जहाँ नेमोटेड की ज़्यादा समस्या हो गई है, तो सबसे पहले खेतों की जुताई करते हैं, कल्टीवेटर वगैरह करा लिया जाता है खेतों का, उसको खुला छोड़ दिया जाता है, फिर उसकी खेतों की जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद मिट्टी को भुरभुरी बनाया जाता है, मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। जैसे हम खेत की बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरी बनाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि मिट्टी जैसे भुरभुरी बना ली है उसके बाद एक बेड बनाया जाता है और उसमें 15 से 20 माइक्रोन वाली पन्नी ली जाती है, 15 से 20 माइक्रोन वाली पन्नी ली जाती है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई बेड है, कोई बेड बना हुआ है, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर अपन ने बेड बना दिया है ना, तो इसके ऊपर 15 से 20 माइक्रोन वाली पन्नी का बिछा दी जाती है। ये कब किया जाता है, जून जुल
मई जून में किया जाता है ये, ताकि उस वक्त धूप का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, यानी टेम्परेचर का ज़्यादा रहता है, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर रहता है। तो इससे क्या होता है कि ये जब उसमें 15 से 20 माइक्रोन वाली पन्नी बिछा दी जाती है, सूर्य की किरण पड़ती है, तो उसमें जो नेमोटेड है उसमें आते हैं फ्यूजोरियम आता है, राइजक्टोनिया आता है और एक इथियम आता है। तो ये एक कवक होते हैं जो बढ़ावा देते हैं किसको, नेमोटेड को, उत्पन्न होने के लिए, फ्यूजोरियम, राइजक्टोनिया और इथियम। ये जो कवक है ये इसको बढ़ावा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि यदि आप सूर्यकरण की विधि कर रहे हैं तो वो जो नेमोटेड है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ये जो मैंने बताया है आपको, फ्यूजोरियम, राइजक्टोनिया और इथियम, ये कवक मर जाते हैं उस सूर्यकरण की विधि में, तो जो नेमोटेड की समस्या काफ़ी हद तक कम देखने को मिलती है। सूर्यकरण की विधि में एक फ़ायदा ये भी है आपका कि उसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी, NPK, जो अपना जो नाइट्रोजन, पोटास, पोटास जो रहता है उसकी मात्रा आपको सूर्यकरण की विधि में ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो मिट्टी में जो जीवाणु हैं जो पौधों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल या बेनिफिट देते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो गए सूर्यकरण की विधि में, तो आपका जो अगली बार जो फसल लोगे उसमें, तो आपका पौधा अच्छे से फसल अपटेक कर पाएगा। उसके बाद जो हानिकारक कवक होते हैं, जैसे मैंने नाम बताया कुछ कवकों के, ये ख़त्म हो जाते हैं, कील हो जाते हैं, और नेमोटोइड की समस्या काफ़ी हद तक देखने को कम मिलती है। अब बहुत सी जगह क्या करते हैं, जब ये सूर्यकरण की विधि करते हैं है ना, तो इसमें क्या करते हैं, जो पत्ता गोभी आता है और सरसों, पत्ता गोभी और सरसों के पत्तों को सुखाया जाता है, उस मिट्टी के जो बेड बनाया जाता है उस पर छिड़काव किया जाता है, फिर उसके ऊपर 15 से 20 माइक्रोन वाली पन्नी चढ़ाई जाता है। तो ये जो रहता है, एक जो बैक्टीरिया रहते हैं या जो कवक होते हैं उनको कील करने में बहुत ही उपयोगी माना जाता है। जैसे मैंने आपको एक विधि बताई है प्रेसिमोलिसिस की, एक बता दिया है मैंने आपको सूर्यकरण का, और एक मैंने आपको बताया है कि आप फसल चक्र अपना कर भी नेमोटेड की समस्या को दूर कर सकते हो। अब देखा जाए तो गेंदे की फसल में क्या रहता है या क्या होता है, क्या भूमिका रहती है नेमोटेड में, कि उसको कील करता है, ये जो गेंदा दिख रहा है वो कील करता है, क्या ऐसा रहता है? तो मैं आपको बताऊं, यदि आपने गेंदे, जहाँ नेमोटोइड की समस्या ज़्यादा है, तो आप वहाँ गेंदे की फसल ले। फसल लेने के बाद जो फूल वगैरह की जो हार्वेस्टिंग हो जाती है वो हार्वेस्टिंग ले ले, और उसके बाद ये जो पौधे का जो भाग जो बचता है, जो पौधे का ये जो भाग बचता है इसको आपको ज़मीन के नीचे दबवा देना है। वो क्यों क्यों किस कारण, मैं बता देता हूँ। पहले आप आपकी फसल जो आई है फूल वगैरह की तुड़ाई कर ले, और ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है इसको आपको ज़मीन के नीचे दबवा देना है। तो इससे क्या होगा कि एक इसमें लेप्लिकेंट होता है, लेप्लिकेंट पाया जाता है इस पौधे में, लेप्लिकेंट होता है जो इसके नीचे दबेगा। तो लेप्लिकेंट क्या करता है कि जो सूत्रकृमि जो रहता है आपके फसल को अवरुद्ध करता है या ग्रोथ रोकता है उसकी, काफ़ी हद तक समस्या को दूर करता है, जो लेप्लिकेंट एक्टिवेट हो जाता है उसमें, और काफ़ी हद तक ये समस्या देखने को कम करता है। यदि नेमोटेड से रिलेटेड अदर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोशिश करूँगा उसको पूरी करने की, या कुछ रह गया हो मुझसे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।